Hello guys, welcome to our new video. If you guys are new to our channel or if you did not subscribe our channel yet, then please go and subscribe our channel and hit the bell icon so that you can get the notification of our new videos. Okay, so चलते हैं और देखते हैं आज का problem. So the question is the pattern printing. And this is easy level question. Okay, so we have given a problem statement. The problem statement is given a positive integer n, and your task is to print a right angle triangle pattern of consecutive numbers of height n. Okay, so here are given some sample. For n equals to 5, we have to print the pattern like this. That is, in first row there is only one, second row we have to print 1 and 2, then 1 2 3, then 1 2 3 4, then 1 2 3 4 and 5. Okay, up to 5 we have to print this right angle pattern. Okay, so this is a functional problem, so we just need to complete this function. Okay, so we have to print right angle triangle for the given height n. Okay, and here are given some sample inputs. For height 5, we have to print the pattern up to 5. Okay, here are second sample input given. Okay, so now let's try to understand how we can print this type of patterns. Okay, so let's suppose we have to print the pattern for height n equals to 5. So we have to print this pattern like this. First row mein humko one print karna hai, sirf ek value print karni hai, then 1 2, then 1 2 3, then 1 2 3 4, then 1 2 3 4 and 5. Okay, so for pattern printing, agar aisa koi bhi pattern humko print karna rahega to humko kya karna padta hai ki ye pattern ko hum simply rows and columns mein divide karke ye kar sakte hai, isko चेक कर सकते हैं. लाइक लेट सपोज हम इसको रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड, ये थर्ड, और इसको ऐसे डिवाइड करते हैं रोज एंड कॉलम्स में. ओके, तो इसको हमने रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है. तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में हमको सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है, वो है 1. देन सेकंड रो में दो वैल्यूज हमको प्रिंट करना है, 1 और 2. देन थर्ड रो में 1 2 एंड 3, तीन वैल्यू हमको प्रिंट करना है. देन फोर्थ रो में हमको चार वैल्यूज प्रिंट करना है, और लास्ट जो रो है वो फिफ्थ रो, उसमें हमको 5 वैल्यूज प्रिंट करना है. ओके, सो हाउ वी कैन डू दिस? सो सिंपली वी कैन डू दिस लाइक, सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे दो लूप्स यूज करने पड़ेंगे. एक तो एक लूप हमको रोज के लिए लेना पड़ेगा और एक कॉलम्स के लिए लेना पड़ेगा. ओके, सो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं उसको. तो यहाँ पे हम लिखते हैं, फर्स्ट लूप लिखते हैं रोज के लिए, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? फॉर इन ब्रैकेट इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, देन आई इज लेस देन, हमको कहाँ तक ये पैटर्न प्रिंट करना है, यहाँ पे सपोज एन इक्वल्स टू 5. सो
एन तक हमको प्रिंट करना है। तो आई इज लेस देन एन एंड देन आई प्लस प्लस। ओके देन हमने रोज के लिए हमने फॉर की कंडीशन लिख ली, ये रोज की कंडीशन। ओके तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, कोई भी वेरिएबल लेना ले सकते हैं हम, और उसको असाइन करना पड़ेगा वन, क्योंकि हमको जो पैटर्न है वो वन से स्टार्ट करना है प्रिंट करने के लिए। तो हम एक कोई भी एक वेरिएबल लेके उसको वन असाइन कर देंगे। उसके बाद हम दूसरा लूप लिखेंगे कॉलम्स के लिए। सो हम उसको लिखेंगे इंटीजर जे इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, क्योंकि हमको ये जो लूप है वो कॉलम्स के लिए है। तो कॉलम्स हमको कहाँ तक प्रिंट करने हैं, जितने रोज है उतने ही कॉलम्स हमको प्रिंट करने हैं। समझो यहाँ पे एक रो है, एक रोज है, तो हमको कॉलम भी एक ही प्रिंट करना है, और यदि दो रोज है तो कॉलम्स भी हमको दो ही प्रिंट करना है। इसलिए हम जे की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू आई, मतलब आई की जितनी वैल्यू लगेगी वहां तक ही ये कॉलम्स हमको प्रिंट करना है। ओके सो यहाँ पे हम लिखेंगे जे प्लस प्लस। ओके फिर ये हो गया कॉलम्स के लिए। अभी यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे, और क्या प्रिंट करना है हमको, यहाँ पे हमको नंबर प्रिंट करना है, जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है नंबर वेरिएबल। सो ये नंबर्स हमको प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट करेंगे नंबर, और नंबर के बाद हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी स्पेस प्रिंट कर देंगे। ओके क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वन है तो उसके बाद स्पेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पे स्पेस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे वन और टू, इन दोनों में भी स्पेस है, इसलिए हमको नंबर के बाद एक स्पेस इंसर्ट करना है। ओके और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपली यहाँ पे नंबर की वैल्यू हमको इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ पे कर देंगे नंबर प्लस प्लस। ओके सो दैट ये जो नंबर की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती रहेगी। ओके आफ्टर दैट यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर ये कंडीशन अगर फेल होती है, ये मतलब अगर लेट सपोज जे की वैल्यू यहाँ पे चेक करते हैं, जे की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, 0 रहेगी फर्स्ट, देन उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी वन वन, और आई की वैल्यू 0 ही रहेगी, तो वन इज लेस देन इक्वल्स टू 0, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद हमको क्या करना है, सिंपली या ये जो कर्सर है नेक्स्ट लाइन में थ्रो करना है, मतलब कर्सर नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है। तो उसके लिए हमको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ओके सो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिर्फ इतना ही एम्प्टी ये स्टेटमेंट लिख देंगे। तो यहाँ पे ये जो कर्सर रहेगा, ये जब भी ये स्टेटमेंट फेल हो जाएगी, और जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पे एक एंटर मतलब प्रेस हो जाएगा, और ये जो कर्सर रहेगा वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ओके सो ये दिस इज द लॉजिक फॉर दिस पैटर्न प्रिंटिंग प्रॉब्लम। ओके
अभी हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि इसको हम ये एग्जीक्यूट कैसे हो सकता है। अभी यहाँ पे चेक करते हैं। पहले हम आई की वैल्यू जो है क्या है, 0 है। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आई इज लेस देन एन। आई की वैल्यू अभी 0 है, तो 0 इज लेस देन, लेट सपोज आई इज 5। ओके, और लेट सपोज आई इज एन इज 5। 0 इज लेस देन 3। दिस कंडीशन इज ट्रू। ओके, दिस इज ट्रू अगेन। द नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक होगी, यहाँ पे नंबर इक्वल्स टू 1 है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर लूप ये होगा, तो ये फॉर लूप चेक होगा, तो जे इक्वल्स टू 0 है, तो जे की वैल्यू 0 है, और नेक्स्ट जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई है, तो जे की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या है अभी, 0 है, तो 0 है, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये लूप अभी एग्जीक्यूट होगा। तो ये लूप के अंदर क्या है, यहाँ पे लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे नंबर प्रिंट करना है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो कंडीशन ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो नंबर क्या है, नंबर इक्वल्स टू यहाँ पे नंबर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। और अभी यहाँ पे नंबर की जो वैल्यू है, सपोज यहाँ पे नंबर की वैल्यू जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो 1 की जगह पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अभी जे की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पे जे प्लस प्लस के साथ जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ओके, तो जे की वैल्यू अभी 1 हो जाएगी। ओके, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट चेक होगा, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये जो लूप है, ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे सिंपली एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एम टी स्टेटमेंट लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एंटर प्रेस हो जाएगा, मतलब कर्सर जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे कर्सर थ्रो हो जाएगा। तो कर्सर जो अभी यहाँ पे था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्पेस ये हो जाएगा, इंसर्ट होगा, और कर्सर नेक्स्ट लाइन को थ्रो हो जाएगा। ओके, अभी कर्सर नेक्स्ट लाइन पे थ्रो हो गया। अभी यहाँ से ये जो लूप है, यहाँ पे आई फिर से आई की वैल्यू यहाँ पे अभी क्या होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू क्या होगी, अभी 0 थी, अभी 1 हो जाएगी। तो 1 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक होगा जे का, जे इक्वल्स टू जे की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है इनिशियली, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, जे की वैल्यू इनिशियली 0 है, और जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू 1 है अभी, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये जो लूप है ये एग्जीक्यूट होगा। ये लूप के अंदर क्या है दिया है, प्रिंट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे नंबर प्रिंट हो जाएगा, तो नंबर की वैल्यू यहाँ पे इनिशियल क्या है, 1 है, तो नंबर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, 1। और उसके आगे क्या है, हमने एक स्पेस दिया है, तो एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ओके, अभी क्या होगा, ये जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो जे की वैल्यू अभी होगी 1। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन इज अगेन ट्रू। ये लूप एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है, तो नंबर प्रिंट हो जाएगा अगेन, सॉरी यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद यहाँ पे
नंबर इंक्रीमेंट हुआ हो गया था यहाँ पे, नंबर की वैल्यू इन टू हो गई थी इंक्रीमेंट। ओके सो यहाँ पे फिर उसके बाद नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। सो जे की वैल्यू वन, वन इज लेस देन इक्वल्स टू वन, कंडीशन इज ट्रू। देन यहाँ पे अभी नंबर प्रिंट होगा, तो नंबर की वैल्यू अभी क्या है यहाँ पे, वन और स्पेस प्रिंट हुआ था, उसके बाद नंबर की वैल्यू अभी टू है, तो यहाँ पे टू प्रिंट हो जाएगा और एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ओके अगेन अभी नंबर की वैल्यू थ्री हो जाएगी और कर्सर जो है यहाँ पे जे की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो जे की वैल्यू अभी होगी टू, एंड टू इज लेस देन इक्वल्स टू वन, कंडीशन अभी फॉल्स हो जाएगी। ओके कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है वो चेक करेगा, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट ये यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एम्प्टी स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे एक एंटर प्रेस हो जाएगा, मतलब कर्सर जो है यहाँ से नेक्स्ट लाइन को जाएगा। ओके सो अभी कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया, अभी क्या होगा आई की वैल्यू अभी इंक्रीमेंट होगी, तो आई की वैल्यू अभी होगी टू हो जाएगी। सो टू इज लेस देन थ्री, कंडीशन इज ट्रू। देन जे इक्वल्स टू जीरो, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, सो जे की वैल्यू इनिशियली जीरो है, सो जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू आई की वैल्यू टू है, तो कंडीशन इज ट्रू। सो ये लूप एग्जीक्यूट होगा, तो इसमें यहाँ पे इनिशियली इसकी वैल्यू वन है, नंबर की वैल्यू वन है। ओके सो यहाँ पे क्या होगा, नंबर प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे, एक नंबर प्रिंट हो जाएगा और स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ओके उसके बाद क्या होगा जे की वैल्यू, उसके बाद अभी क्या होगा आई यहाँ पे नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी टू, और आई जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी उसके बाद। सो अभी जे हो जाएगा वन, एंड वन इज लेस देन इक्वल्स टू, वन इज लेस देन इक्वल्स टू टू, कंडीशन इज ट्रू। अगेन यस लूप एग्जीक्यूट होगा और यस स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट, सो नेक्स्ट यहाँ पे टू प्रिंट हो जाएगा, जो नंबर क्या है अभी नंबर की वैल्यू टू थी, तो टू और एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ओके सो अभी नंबर क्या होगा यहाँ पे, नंबर प्लस प्लस से नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी थ्री। अगेन उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू अभी होगी टू, उसके बाद टू इज लेस देन इक्वल्स टू टू, कंडीशन इज ट्रू। अगेन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगेन नंबर की वैल्यू क्या थी थ्री थी, तो यहाँ पे थ्री प्रिंट हो जाएगा और एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ओके ओके अगेन नंबर की वैल्यू अभी क्या होगी थ्री हो जाएगी, सॉरी जे नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी फोर, उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू थ्री हो जाएगी, तो थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू टू, कंडीशन इज फॉल्स। सो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, एक एंटर यहाँ पे कर्सर जो है ये स्टेटमेंट से नेक्स्ट लाइन को थ्रो हो जाएगा, तो यहाँ से कर्सर नेक्स्ट लाइन को थ्रो हो जाएगा, अभी क्या होगा आई की वैल्यू अभी इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू क्या है अभी टू थी, तो थ्री हो जाएगी। सो आई की वैल्यू थ्री, सो थ्री इज लेस देन थ्री, सो कंडीशन इज फॉल्स। सो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अभी ये क्या करेगा, प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा, ये लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा और आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। ओके सो लेट्स गो, हम चलते हैं हमारे यहाँ पे और इसका कोड लिखते हैं, यहाँ पे हम ये फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। ओके सो फर्स्ट हम क्या करते हैं,
एक लूप लिखते हैं, लूप फॉर रोज. ओके, सो वी कैन राइट इंटीजर आई इक्वल्स टू 0. ओके, आई इज लेस देन एन, देन आई प्लस प्लस. ओके, देन इन फॉर आई आफ्टर विल डिक्लेयर वन वेरिएबल एंड विल असाइन इट टू नंबर 1. ओके, नाउ विल राइट द लूप फॉर कॉलम्स. ओके, सो फॉर इंटीजर जे इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई. ओके, देन जे प्लस प्लस. ओके ओके, यहाँ पे हमने कॉलम्स के लिए भी एक लूप लिख दिया. अभी हम क्या करेंगे, नंबर को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नंबर. ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट कर देंगे नंबर और प्लस, और उसके आगे एक स्पेस प्रिंट कर देंगे, और जो नंबर है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे. ओके, इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ नंबर. ओके ओके, आफ्टर दैट जब ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा तो यहाँ पे हमको एक एंटर भी ये करना है. तो यहाँ पे हम एक प्रिंट एलन का स्टेटमेंट, ब्लैंक स्टेटमेंट लिख देंगे. ओके, ये हमने, ये क्या करेगा, स्टेटमेंट थ्रोज द कर्सर, कर्सर एट द नेक्स्ट लाइन आफ्टर प्रिंटिंग ईच रो. ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन को थ्रो कर देगा. ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन आवर कोड. सो विल गिव द इनपुट दैट इज 5, एंड लेट्स ट्राई टू रन एंड लेट्स सी व्हाट आउटपुट शीट शोज. ओके, सो आउटपुट इज शोइंग 1 1 2. ओके, इट शो, आई थिंक वी हैव मेड सम मिस्टेक हेयर. ओके, सो व्हाट मिस्टेक. ओके ओके, सो हियर वी डोंट हैव टू राइट द प्रिंट एलन, बिकॉज इफ वी राइट द प्रिंट एलन इट डायरेक्टली प्रिंट द नंबर टू नेक्स्ट लाइन. ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन एंड लेट्स सी नाउ हाउ इट द आउटपुट शोज. ओके, सी नाउ द आउटपुट इज शोज इन करेक्ट मैनर. ओके, नाउ लेट्स ट्राई द सेकंड टेस्ट केस, दैट इज 2 for 2. लेट्स ट्राई टू रन. ओके, सी आउटपुट इज शोइंग करेक्ट. नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट द कोड. ओके, नाउ टेस्ट केसेस आर रनिंग, लेट्स सी ऑल आवर ऑल टेस्ट केसेस आर पास्ट और नॉट. ओके, ओके, सी ऑल द आवर ऑल द टेस्ट केसेस आर पास्ड. ओके, दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.